نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. पहले मैं तमाम आवाम को पूरे खास तौर से जनता को जयपुर शहर के लोगों को राजस्थान के लोगों को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक मुबारकबाद देता हूँ बधाई देता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ईद का त्यौहार है पहले ईद उल फित्र और फिर ईद उल जुहा तो ऐसा मैसेज है पूरे देश के अंदर इस त्यौहार को हम एक सेक्रीफाइस के रूप में कुर्बानी के रूप में मनाते हैं और आज से नहीं है ये जब से कायनात बनी है तब से ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और जैसा अभी सब आलिमाओं ने सब ने एक तकरीर करी सबको बधाई दी और बकरीद के बारे में भी बताया लेकिन आज जो देश के अंदर हालात हैं वो जैसे ही एक विदेश में अमेरिका के प्रधानमंत्री पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब जब ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो अगर हम हमारी हुकूमत फैक्ट को नहीं माने सच्चाई को नहीं माने और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई आपने भी ऐसा किया आपने भी ऐसा किया। सच्चाई ये है कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ राज है वहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं भेदभाव करते हैं डराते हैं लोगों को खौफ का माहौल बनाते हैं। इनसिक्योरिटी क्यों देश के अंदर किसी भी समाज के ऊपर किसी भी जाति और किसी भी धर्म के ऊपर कैसे ये महसूस करें कि हम इनसिक्योर हैं क्या दबाव है हमारे ऊपर। तो ऐसी फीलिंग्स अगर किसी भी जगह आती है तो देश के प्रधानमंत्री को देश के गृहमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न केवल हिंदुस्तान के अंदर विदेश शहरों के सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मैं मेरा डिसीजन किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहता। आज समाज का सब आदमी जागरूक है सबको चाहिए कि अपना विचार करे और अपने विचार के अनुसार निर्णय करके मैसेज जरूर दे। एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो हिंदुस्तान के हर आदमी को आज बहुत से लोग बाग देशभक्ति के ठेकेदार बने बैठे हैं जब देशभक्ति की बात करोगे और इंडिया गेट पे जाके देखोगे तो 60,000 मुसलमान शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। हम सब ने मिलकर के आज़ादी हासिल करी। आज़ादी किसी एक कम्युनिटी ने एक जाति ने एक पार्टी ने हासिल नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया जिसके बैनर तले पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ। वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन लोगों ने नाखून नहीं कटाया देश की आज़ादी में एविडेंसेस हैं अंग्रेजों के साथ थे। और जिस पार्टी ने जिन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 12 साल जेल के अंदर दिए और 12 साल जेल में देने वाला आदमी जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जनता जवाब देगी। ईद हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं अल्लाह ताला ने हमें दो ईद दी एक ईद ईद उल फित्र हमारी एक आज ईद उल अज़हा है और ये बड़ा ऐसा है जो आजमाइश का जवाब है कि इंसान अपनी बुराइयों का अपनी बुराइयों की कुर्बानी दे अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे अपने जो गंदी फितरतें हैं उसकी खुद कुर्बानी दे। गलत तरीका है यहाँ आप बंद नहीं कर सकते वो करें। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरे जयपुर शहर और राजस्थान के लिए अमन के लिए यहाँ दुआ के लिए तमाम लोग सुकून मोहब्बत से रहें और सियासत का शिकार ना हो। सियासत की सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन हमारे सोच के अंदर गंदगी और नापाकीज़गी नहीं आनी चाहिए नफरतें नहीं आनी चाहिए किसी तरह से आपस के अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए दूरियाँ नहीं होना चाहिए। मैंने एक मैसेज ये किया कि हमारी युवा पीढ़ी को मुसलमान लड़कों को
जवानी से अपनी कोई इंडस्ट्री अपने घर में चालू करनी चाहिए। इस इंडस्ट्री से वो धीरे धीरे तरक्की करें। हम सीखे तो चाइना के अंदर हर घर इंडस्ट्री है और UCC बन रहा है। ये UCC यानी यूनिवर्सल सिविल कोड यूनिफॉर्म, ये यूनिवर्सल सिविल कोड जो बन रहा है ये हमारे लिए उन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए कि जिससे मुसलमानों की उनके दीन की को कोई तकलीफ़ ना हो और उनके जज्बातों को कोई तकलीफ़ ना हो और उनके पर कोई नुकसान ना हो। हम सबका ख्याल रखते हुए देश की सरकार का कर्तव्य है कि वो दुनिया में कोई भी कानून एक तरफा ना लाए, बल्कि वो ये ध्यान रखे कि हर आदमी अपने धर्म की किताब को पहले मानता है और हर आदमी अपने धर्म की किताब पर ध्यान रखता है। इसलिए इस प्रकार की बात को सामने रखते हुए वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए और हम इस बात का बहिष्कार करते हैं, इस बात के लिए डिनाई करते हैं कि अगर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ या मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ तो हम उस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ। अल्लाह ने हमें दुनिया भेजा है तैयारी के लिए और हम सब गाफिल हो गए। हम दुनिया वालों को देख के चल रहे हैं, जो सिर्फ दुनिया वाले उन्हें पता नहीं हम कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाना है हमें।